साथियों नमस्कार। मनी ब्लूप्रिंट की सीरीज के इस वीडियो में आज बात करेंगे कि समस्याएं आपसे बड़ी होती हैं या आप समस्याओं से बड़े होते हैं। हम आपको अभी तक बताते आ रहे हैं कि धनवान बनने का रास्ता आसान नहीं है। कई सारी मुश्किलें हैं इस रास्ते में, कई सारे घुमावदार मोड़ हैं, कई सारे जाल हैं, कई सारे गड्ढे हैं, और ज्यादातर लोग इन गड्ढों से, इन मुश्किलों से दो चार होना नहीं चाहते। वो बहुत सारी जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते और जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते, इसलिए वो इन गड्ढों से, इन जालों से, इन मुश्किलों से दूर भाग जाते हैं, यानी वो किसी भी तरह की समस्या नहीं चाहते। साथियों, समस्याओं से डरना, भागना, पीछे हटना कोई हल नहीं है। हल तो ये है कि खुद को इतना बड़ा कर लिया जाए कि हर समस्या अपने सामने छोटी नजर आए, और जो चीज आपसे छोटी है उसे आप हल कर ही लेंगे। जबकि जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो हर एक समस्या को अपने से बड़ा मानते हैं, उसी में उलझ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी समस्या को सुलझाना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। साथियों, आप धनवान बन रहे हो या ना बन रहे हो, आप बड़ा खेल खेल रहे हो या छोटा, आप सामान्यतः यदि सांस भी ले रहे हैं तब भी आपके जीवन में हमेशा समस्याएं और बाधाएं मौजूद रहेंगी। इस बात को और अच्छी तरह से कहें तो समस्या का आकार कभी असली मुद्दा नहीं होता, असली मुद्दा तो आपका आकार होता है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यदि आप सफलता के अगले स्तर पर बढ़ने के लिए तैयार हैं तो आपको इसके बारे में जागरूक बनना होगा कि आपके जीवन में सचमुच क्या हो रहा है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है और वो आपको बड़ी समस्या लगती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अभी छोटे हैं। आपको खुद को और बड़ा कर लेना है। समस्या का आकार सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि आपका आकार क्या है। तो अब समस्या के आकार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद के आकार पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को और बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाते जाएं, तब तक जब तक कि हर समस्या आपको छोटी लगने लग जाए। और ये बात समझिए कि आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं उतने ही बड़े बिजनेस को आप संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं उतने ही ज्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हैं। आप जितने ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हैं उतने ही ज्यादा धन को संभाल सकते हैं, उतनी ही ज्यादा दौलत को भी संभाल सकते हैं। आपकी दौलत सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। उद्देश्य है कि खुद का विकास करके उस जगह पहुंचा जाए जहां आप दौलत बनाने और उसे बनाए रखने की राह में आने वाली किसी भी समस्या या बाधा से पार पा सकते हो। एक और बात, धन कमाना और धन को अपने जीवन में बनाए रखना दो अलग अलग चीजें हैं। कई लोग ये नहीं जानते, वो सोचते हैं कि एक बार दौलत कमा लेने से वो स्थायी हो जाती है, और उन्हें जोर का झटका तब लगता है जब जितनी तेजी से उन्होंने वो दौलत कमाई थी उतनी ही तेजी से उसे गंवा दिया। जब वो सीखने लगते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि मैंने वो कमाया हुआ धन इसलिए गंवाया क्योंकि तब मेरा टूल बॉक्स इतना बड़ा और मजबूत नहीं था कि मेरे द्वारा हासिल धन को संभाल सके। खुद को दौलत के बर्तन के रूप में देखें। यदि आपका बर्तन छोटा है और पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, आप पैसे को गंवा देंगे। अतिरिक्त पैसा आपके बर्तन में से छलकने लगेगा और यहां वहां बह जाएगा। आप बर्तन से ज्यादा पैसा पा ही नहीं सकते, इसीलिए आपको बर्तन बड़ा बनाना होगा ताकि आप न सिर्फ दौलत को बनाए रख सकें बल्कि ज्यादा दौलत को आकर्षित भी कर सकें। ब्रह्मांड खाली जगह को पसंद नहीं करता। अगर आपके पास पैसे रखने के लिए बहुत बड़ा बर्तन होगा तो यह उस खाली जगह को भर देगा। एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि आपका दिमाग एक बार में एक ही ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है। या तो उसे समस्या पर लगा दीजिए या उसे समाधान पर लगा दीजिए। तय आपको करना है कि आप किसे समय देना चाहते हैं।
समस्या को या समाधान को। निष्कर्ष ये है कि यदि आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण बन जाते हैं तो आपको सफलता पाने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। और यदि आपको कोई नहीं रोक सकता तो आप अजेय बन जाते हैं। यदि आप अजेय बन जाते हैं तो आपके पास अपने जीवन में कितने विकल्प होते हैं? जवाब है, आपके पास सारे विकल्प होते हैं। आप अजेय हैं और आपके लिए कोई भी चीज उपलब्ध है। आप बस उसे चुन लीजिए और वो आपकी हो जाएगी। स्वतंत्रता असल में इसी को तो कहते हैं। अब आपको करना क्या है? जब भी आप किसी समस्या के कारण बहुत विचलित महसूस कर रहे हों तो खुद की ओर इशारा करें और कहें, क्या मैं छोटा हूं? फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से कहें, नहीं, मैं इस समस्या से बड़ा हूं, मैं इसको निपटा सकता हूं, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूं। और हाँ, ऐसा करें, अपने जीवन की किसी एक समस्या को लिख लें और उस समस्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे 10 कामों की सूची बनाएं जिनको करने से आप उस समस्या के या तो समाधान तक पहुंच जाएंगे या उस समस्या के समाधान तक पहुंचने के अनुकूल परिस्थितियां बना लेंगे। जब आप इन 10 कामों को कर लेंगे और परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, तब आपको स्पष्ट दिखने लगेगा कि इस समस्या से बाहर कैसे निकला जा सकता है और फिर आप उस समस्या को सुलझा लेंगे। इसी तरह एक एक करके समस्याओं को उठाते जाइए, खुद को उनसे बड़ा मानिए, 10 ऐसे कामों की सूची बनाइए, उन पर अमल करिए और अगले चरण में समस्या से बाहर निकल जाइए। तो साथियों, क्या आपको अब पता है कि समस्या आपसे बड़ी है या आप समस्या से बड़े हैं? अपनी समस्याओं को सुलझाने की शुरुआत करिए। मनी ब्लूप्रिंट के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपकी और हमारी बातचीत बनी रहे इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।